आज हम इस वीडियो में टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट का कंपैरिजन करने वाले हैं, और इस कंपैरिजन में हम ये दोनों गाड़ियों के डाइमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, फीचर्स और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम ये दोनों गाड़ियों के डाइमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। नेक्सॉन की लेंथ है 3993 mm, जो सिर्फ 2 mm कम है किया सोनेट की लेंथ से, और इसकी विड्थ है 1811 mm, जो 21 mm ज़्यादा है किया सोनेट की विड्थ से, और नेक्सॉन की हाइट है 1606 mm, जो 36 mm कम है किया सोनेट की हाइट से, और इसका व्हील बेस है 2498 mm, जो 2 mm कम है किया सोनेट के व्हील बेस से। ऑन पेपर डाइमेंशंस के मामले में तो किया सोनेट ही क्लियर विनर है, क्योंकि विड्थ को छोड़कर किया सोनेट सभी मामलों में आगे है। और अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये दोनों गाड़ियों में हमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहले हम टाटा नेक्सॉन के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको नेक्सॉन के पहले पेट्रोल इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें नेक्सॉन में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन में हमें 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको नेक्सॉन के डीजल इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें नेक्सॉन में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 113 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और नेक्सॉन के डीजल इंजन में हमें 24.07 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब हम किया सोनेट के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको सोनेट के पेट्रोल इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें सोनेट में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 81 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और किया सोनेट के पेट्रोल इंजन में हमें 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको इसके डीजल इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें सोनेट में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 113 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और किया सोनेट के डीजल इंजन में हमें 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। इंजन और पावर के मामले में तो टाटा नेक्सॉन ही क्लियर विनर है, क्योंकि नेक्सॉन के दोनों इंजन में हमें सोनेट के इंजन के मुकाबले ज़्यादा पावर मिलती है, और नेक्सॉन के डीजल इंजन में हमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और हम ये दोनों गाड़ियों के टायर साइज की बात करें तो ये दोनों गाड़ियों में हमें 16 इंच के टायर मिल जाते हैं। और हम इनकी बूट स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन में हमें 350 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और सोनेट में 392 लीटर की। और अब हम बात कर लेते हैं इनमें मिलने वाले कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं आपको उन कॉमन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो ये दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। तो ये दोनों गाड़ियों में हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्यूल एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, EBD, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, वायरलेस चार्जर, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट, रियर एसी वेंट, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वॉइस कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट। ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन किया सोनेट में नहीं मिलते। तो नेक्सॉन में हमें फॉलो मी हेडलैम्प्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रोल ओवर मिटिगेशन और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ये सारे फीचर्स हमें टाटा नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन किया सोनेट में नहीं मिलते। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें किया सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन टाटा नेक्सॉन में नहीं मिलते। तो सोनेट में हमें 6 एयरबैग, नेक्सॉन में हमें ड्यूल एयरबैग मिलते हैं, और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिपिटेशनर और फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, नेक्सॉन में हमें सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो ये सभी फीचर्स हमें किया सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन टाटा नेक्सॉन में नहीं मिलते। फीचर्स के मामले में तो ये दोनों गाड़ियों की बराबर की टक्कर रही है। कुछ फीचर्स हमें टाटा नेक्सॉन में ज़्यादा मिलते हैं तो कुछ किया सोनेट में। और अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको किया सोनेट के प्राइस बता देता हूँ। सोनेट की एक शोरूम प्राइस 7.79 लाख से स्टार्ट होकर
इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14.89 लाख रुपीज़ है। और अब मैं आपको टाटा नेक्सॉन के प्राइस बता देता हूँ। नेक्सॉन की एक शोरूम प्राइस 7.80 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14.35 लाख रुपीज़ है। और इस प्राइस पॉइंट के साथ ये दोनों ही गाड़ियाँ वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली, पावरफुल इंजन वाली और अच्छा माइलेज देने वाली कार लेना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए टाटा नेक्सॉन ही बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आप एक प्रीमियम कार लेना चाहते हो जिसकी लुक्स अच्छी हो, जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको किया सोनेट की तरफ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको ये दोनों कार में से कौन सी कार बेस्ट लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।